आपने बात बोली, चलिए जरूरी नहीं है हर बार तेरे लिए टॉफी बचे के लाऊं, तू अभी मेरे लिए कुछ क्या? हाँ जी पापा, दीदी जब मैं पहले से हुई थी ना, तब दीदी मेरे लिए टॉफी बजा के नहीं लाती थी, और जब मैं पहले दिन हुई थी ना, तब दीदी मेरे लिए टॉफी बजा के लेकिन लाती थी, अब नहीं लाने लगे। हाँ तू मेरे लिए कुछ बचा के नहीं लाती ना, इसलिए मैं लाती हूँ। इसका मुलजिम का कहना है, जब ये हुई थी, जब ये अस्पताल में डली थी, उस समय आपने इसको टॉफी ला के दी थी, बताइए मुलजिम नंबर टू। उसका जबड़ा ही नहीं था, जवानी नहीं थी उसकी। आप हुए थे तब कहाँ थे आप? मैं भोपाल। भोपाल में शिफ्ट हो गई थी बाबू, मैं भोपाल में शिफ्ट हो गई थी। तो दीदी क्या ला के दी आपको? दीदी ने मिंट टॉफी, मिंट वाली टॉफी। मिंट वाली? आपके दांत तो उस समय थे नहीं, पोपले थे आप। कैसे खाई आपने फिर वो? आपका कहना है कि जब आप हुई थी तब दीदी ने आपको टॉफी लाके दी थी, है ना? हाँ जी। उसके बाद टॉफी लाके नहीं देती? नहीं। पूछिए दीदी से। ओ हेलो मैडम, मैं तेरे लिए हर रोज टॉफी बचा के लाती, समझ गई? तू मेरे लिए कभी कुछ बचा के नहीं लाती, समझ गई? मैं कान फोड़ूंगी, मैं बह गई हूँ क्या? हमें तो ये बताइए, अभी आपने जूस क्यों नहीं बचाया दीदी के लिए? क्योंकि वो मेरा बहुत 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 फेवरेट है जूस, तो दीदी का भी फेवरेट है। अब अगर पापा वाला अगर पापा मुझे वो जूस चलाएंगे तो आधा तो नहीं, आधे से ज्यादा मैं पीऊंगी, तू से तेरे लिए बचाऊंगी, जितना जितना इस गिलास में था ना उससे भी कम बचाऊंगी, बहुत कम, एक या दो घूट, इतना कम, इतना एक या दो, बस पापा स्टॉप इतना।